लेकिन दोस्तों अभी जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ तो इतना डेंजर है, इतना खतरनाक है कि अगर आपके शरीर में लग गया ना तो खुजलाते खुजलाते दम बिगड़ जाएगा। देख पा रहे हैं अभी पका नहीं है दोस्तों ये, लेकिन कच्चा ही है, जब पक जाते हैं आप। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगे दोस्तों और स्वस्थ होंगे। तो सुबह हो चुकी है और कल के ब्लॉग में आपने देखा होगा कि ये खेत की जो है पापा खेत की जुताई करके प्लेन कर दिए थे, लेकिन आज जो है हम लोग लगाने वाले हैं आलू। आलू देख पा रहे हैं एक बोड़ी यहाँ पे और पीछे एक बोड़ी है। देख पा रहे हैं भाई जो है निकाल रहा है, ये लाल पटना है दोस्तों, ये वाला दोस्तों सफ़ेद वाला आलू है दोस्तों। 50 किलो सफ़ेद वाला है, 50 किलो लाल पटना है, तो एक कुंटल आलू जो है हम लोग इस वाले खेत में लगाने वाले हैं। और देख पा रहे हैं इसमें जो है खेत से जो है नाली बना रहे हैं, क्योंकि ये वाला कुदरा से इससे बनाना मुश्किल है। पर हल से बहुत ही प्यारा बना है, बस लगा देना है और कुछ नहीं। तो दोस्तों लाल पटना में देख पा रहे हैं अंकुर जो है भरपूर मात्रा से हो गया है, सभी आलू में जो है अंकुर हो गया है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम बीनू का है, देख पा रहे हैं इनका सर जो है आज छठवां दिन है और बिल्कुल नहीं उतर रहा है। तो ये जो है बुग्गू को खिलाएंगे, अभी बहुत परेशान करते हैं, देख पा रहे हैं रोई हैं। तो हम और भाई लगाएंगे, मम्मी जो है तो गमई गई हैं दिया लेके। तो दोस्तों स्वेटर और इनर उतार दिए हैं और यहाँ पे देख पा रहे हैं बीनू आराम से लेटी है, गुड़िया भी आ गई है, बुग्गू बढ़िया खेल रही है इनके साथ। और चलते हैं हम लोग आलू लगा लेते हैं। देख पा रहे हैं उधर भाई लगा भी रहा है और उधर देख पा रहे हैं पापा जो है खेत की जुताई कर रहे हैं। इस तरह जो है दोस्तों कुछ नाली बन के कम्प्लीट हो चुकी है। तो नाली बना के कुछ इस तरह लगाना है, देख पा रहे हैं नाली बना बना के पूरे में आलू जो है बिछा दिए हैं ये। तो दोस्तों ऐसे ही लाइन जो है बनाना है और बना बना के और ऐसे लगा देना है। देख पा रहे हैं यहाँ लगा हुआ है ऐसे। दोस्तों ऐसा लगता है कि एक कुंटल आलू में नहीं होगा पूरे में, क्योंकि अभी इतना ही लगा है तो बोरी जो है आधा खाली हो गई है। तो इसमें पूरा हम लोग को लगाना है, फिलहाल देखते हैं कितना लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देख पा रहे हैं दोस्तों ये है लाल पटना और इसको क्या करना है, ऐसे खोद के ऐसे करके और ऐसे मिट्टी पाट देना है, बस ख़त्म। आगे आ गए, ऐसे थोड़ा गड्ढा खोद के ऐसे रख के वैसे जो है मिट्टी पाट देना है ये। तो दोस्तों आपने देखा एक दो तीन, तीन लेयर में जो है आलू रख दिया भाई। और यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे हैं बीनू गुड़िया बुग्गू सभी लोग बैठे हैं। तो दोस्तों आधा घंटा से ऊपर हो गया लगाते और देख पा रहे हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह, ग्यारह लेयर दोस्तों जो है आलू हमारा लग चुका है। और अकेले लगाए हैं भाई, जो नाली बना देता था आलू सिम फेंक फेंक देता था, हमें बस लगा के पाट देना होता था। और वहाँ पे देख पा रहे हैं अभी पापा और भाई जो है दोनों लोग जो है कोपरा रहे हैं, क्योंकि खेत उधर जुताई पापा कर दिए थे उसको प्लेन कर रहे हैं। और हमारा दोस्तों काम यही था। और बीनू अंदर चली गई हैं, उनकी तबीयत बिल्कुल डाउन है, सब यहीं पर पड़ा हुआ है। अभी इतना बूढ़ी जो है सफ़ेद वाला बचा है और लाल वाला जो है दोस्तों इतना बचा हुआ है। और इधर देख पा रहे हैं कुछ इस तरह दिखता है, साइड पूरा दोस्तों लगेगा लाल पटना पूरा जहां तक पूजेगा इधर। दोस्तों इस बार हम लोग पहली बार जो है एक कुंटल आलू लगा रहे हैं और इससे ज़्यादा भी लगा हुआ है। उस साइड आप देखेंगे तो उधर भी आलू लगा हुआ है और इसमें भी लगाएंगे, इधर कुआँ है इधर भी लगा है। तो फिलहाल इस बार जो है इस साल जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आलू लग रहा है हमारे। जैसा कि यहाँ पे दोस्तों देख पा रहे हैं कुआं है, कुआं के जस्ट बगल में इतना सारा आलू लगाए हुए हैं। और कुआं में पानी दोस्तों जो है लिमिट बस बजा है, देख पा रहे हैं ज़मीन दिख रही है। और इसी के जस्ट बगल में लगाए हैं, लेकिन ये देख पा रहे हैं अभी अंकुर जो है नहीं निकला है बाहर। ये दोस्तों एक हफ्ता हो गया लगाए, लेकिन अभी जो है बीज बिल्कुल नहीं निकला है इसका ऊपर, जैसे निकलेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। ये 25 से 30 पेड़ हम लोग जो लहसुन लगा दिए हैं बढ़िया, और इसके जस्ट बगल में देख पा रहे हैं पालक लगा दिए हैं, एक नंबर का पालक जो है। यहाँ पे दोस्तों एक एलोवेरा का जो है पौधा लगा है। यहाँ पे दोस्तों दो कटहल का पेड़ है, तीन पेड़ है देख पा रहे हैं और काफ़ी प्यारे हैं, बड़े बड़े हो गए हैं कुछ। हमें दोस्तों दिखा एक धनिया का पौधा जो है कुछ इस तरह। दोस्तों अमरूद का पेड़ है यहाँ पे और काफ़ी बड़ी है, काफ़ी पुरानी हो चुकी है ये, देख पा रहे हैं इस तरह है।
इसके जस्ट बगल में हल्दी लगा के रखे हम लोग। तो दोस्तों केला का पौधा काफ़ी ज़्यादा था तो और जो है हम लोग काट दिए हैं। ये देख पा रहे हैं एक जो है फल तैयार है केला का, एक झोंट जो है। यहाँ पे दोस्तों एक पपैया का पेड़ है और ये देख पा रहे हैं पपीता जो है बिल्कुल नहीं फड़ा है, फूल वगैरह खूब आ गए हैं। लेकिन दोस्तों अभी जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ तो इतना डेंजर है, इतना ख़तरनाक है कि अगर आपके शरीर में लग गया ना तो खुजलाते खुजलाते दम बिगड़ जाएगा। और ये है हमारे सामने, ये देख पा रहे हैं पूरा पौधा लगा है इसका, ये केमाच दोस्तों, इसे केमाच बोलते हैं। और देख पा रहे हैं जो है यहाँ पे काफ़ी मात्रा में है और इधर तो बहुत ज़्यादा है, आपको हम पास से दिखा देते हैं। ये देख पा रहे हैं अभी पका नहीं है दोस्तों ये, लेकिन कच्चा ये जब पक जाएगा तो ये बहुत ही नुकसानदायक है, अगर उड़ के भी लग सकता है। यहाँ पे देख पा रहे हैं ये जो है पूरा कवाच का पौधा है, पूरा भरा हुआ है यहाँ पे। और इसी के जस्ट बगल में यहाँ पे दोस्तों देख पा रहे हैं उसमें भी पूरा भरा हुआ है। यहाँ पे दो ट्रैक्टर हैं अभी दोस्तों देख पा रहे हैं, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे खेत की जुताई कर रहा है। भुक्कू देख पा रहे हैं दोस्तों बढ़िया है, जमीन में बैठी हुई है, इसको चटाई में बैठने को बिल्कुल पसंद नहीं है, भाग देती है इधर उधर। ये देख पा रहे हैं इधर पानी लगा रहे हैं बढ़िया है। बक्का हमारा चर रहा है आराम से, ये अरहल खा रहा है, अरहल का पूरा जो है दालें तोड़ रहे हैं पूरा। ये दोस्तों आज इस वाले खेत में जो है पानी लगा रहे हैं पापा, देख पा रहे हैं पूरे खेत में पानी लगाना है यहाँ पे। हंसते हैं आप न पुत्री, नो टचिंग। दोस्तों ये अपने बैल हैं और ये जो है कल काफ़ी ज़्यादा मेहनत किए थे दोस्तों, इनमें सब में वजह ये है कि बहुत ये झगड़ा करते हैं, देख पा रहे हैं लड़ लड़के सींग अपना तोड़ डाले हैं। अब क्या कहेंगे इनको, ये भी तोड़ा है सींग अपना दोस्तों, ये भी अपना सींग जो है तोड़ चुका है, देख पा रहे हैं ये एक सींग टूटा है इसका भी। ये महाराज जी से मिलाते हैं, ये जो है सबसे खतरनाक थे दोस्तों, ये जो है अपने दोनों सींग को ये टेढ़ा कर डाले हैं। लेकिन दोस्तों दिल के बहुत अच्छे हैं ये, बहुत ही शांत हैं, बहुत स्वभाव अच्छा इनका नेचर है। और देख पा रहे हैं सींग भले दोनों टेढ़ा से हो गई हैं लेकिन ये बहुत अच्छे से रहते हैं। क्या जी आइए इधर, अरे आइए इधर आइए दोस्तों, अभी देखिएगा आपकी कान डुलाने वाले हैं, डुलाओ भैया, अरे डुला दीजिए ना शर्मा, ये देख पा रहे दोस्तों शर्मा रहा है ये देखिए डुला दिया दोस्तों, लेकिन शर्माता है अभी देख पा रहे हैं फोटो सेल्फी ले दोस्तों। इसी तरह गांव में अपनी लाइफ जो है कट रही है आराम से, बैलों के साथ खेत की जुताई करो, बकरी चराओ, झाड़ू पोछा लगाओ, आलू लगाओ, सब्जी लगाओ, पानी लगाओ, अभी गेहूं की बुवाई हो जाएगी, वो भी शुरुआत हो जाएगा, तो बहुत ही ज़्यादा दोस्तों काम है। तो दोस्तों इस ब्लॉग को एंड करते हैं और मिलते हैं कल के ब्लॉग में जल्द ही, क्योंकि कल दोस्तों दीपावली है छोटी वाली, तो कल जो है अपने घर की सारी पुताई लिपाई होगी, सबको आप सब चीज़ जो है आपको मैं दिखाऊंगा। तो चलिए कल मिलते हैं, तब तक ले बाय बाय।